उसके बाद वहाँ पे बटरफ्लाई स्टडी लिखिए और उसको सर्च करिए। अब देखिए इस तरह का आपको दिखाई देगा और यहाँ पे जाके आप उसको सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसके बाद ये देखिए बटरफ्लाई स्टडी का चैनल आपके सामने खुल गया है, इसमें बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाई देंगी। यहाँ से देखिए इसमें हर विषय के, अब यहाँ पे देखिए वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाई देंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। और अब यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप कैटेगरी वाइज वीडियोस को देख सकते हैं कि सातवीं का वीडियो चाहिए, हिंदी का चाहिए, किस विषय का चाहिए, आपको यहाँ से सब वीडियो मिलेगा। तो आपको जो परेशानी होती है कि हम कहाँ से वीडियो निकालें, यहाँ से आप सब, आपको सब वीडियो मिलेगा, यहाँ से जाके आप सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकते हैं। अब आ जाइए होम चैनल पे, होम चैनल पे आएंगे, उसी में नीचे देखिए का हमारा अनमोल बोल चैनल है और उसे भी सब्सक्राइब कर कीजिए। और इस प्रकार से आप इसमें भी जो विभिन्न प्रकार की वीडियो हैं उसको सर्च कर सकते हैं। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा आठवीं के हिंदी विषय के द्वितीय इकाई का छठवां पाठ बंटी, आज हम इस पाठ के स्वाध्याय को हल करेंगे। स्वाध्याय की शुरुआत हम शब्दवाटिका से करेंगे। उत्फुल्ल यानी प्रसन्न, बतियाना बातें करना, पवन चक्की हवा के जोर से चलने वाली चक्की, मुहावरे गदगद होना, खुश होना, जोश में आना, उत्साहित होना, मन भारी होना, दुखी होना। सूचना के अनुसार कृतियां करो। बंटी ने फूफी को दिखाया संजालपुर करना है, इतिहास की बुक किताब दिखाई, भूगोल की किताब दिखाई, एटलस दिखाया और विज्ञान की किताब दिखाई। दूसरा विधान पढ़कर सही गलत लिखो, गलत विधानों को सही करके लिखो। पहला है, बंटी की मम्मी विद्यालय में पढ़ाती है, यह विधान गलत है। यहाँ पे सही करने के लिए आपको फिर से लिखना पड़ेगा, बंटी की मम्मी कॉलेज में पढ़ाती है, और फिर से वाक्य लिखना है, दौड़ता हुआ टीटू लेट लतीफ था, यह विधान सही है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बंटी की चाची ने बस्ता उठाया, यह गलत है, चाची की जगह फूफी लिखकर पूरा वाक्य फिर से लिखना है। चौथा, खाली बस्ता भी नई नई किताबों से भर गया था, यह विधान सही है। तालिका पूर्ण करो। बंटी के मित्र विभू, कैलाश, पाठ में प्रयुक्त रिश्ते फूफी माँ, मैकनों से बनने वाली चीज़ों के नाम पुल सिग्नल, पाठ में प्रयुक्त शालेय विषयों के नाम बस्ता पुस्तक। चौथा प्रश्न है, लंच टाइम में बच्चे बहुत हंस पड़े। बंटी ने जब कहा मेरे पास बहुत बड़ा वाला मैकेनो है, इतना बड़ा कि विद्यालय तो आ ही नहीं सकता, कोलकाता से आया है, कोई भी घर आए तो वह दिखा सकता है, यह सुनकर सब बच्चे हंस पड़े। दूसरा है, बंटी छुट्टियों में कहीं नहीं गया, उसका कारण है, इसका कारण कहो या उत्तर कहो, मम्मी ने खस के पर्दे लगा लगा कर सारा घर खूब ठंडा कर रखा था, मसूरी से भी ज़्यादा, इसलिए बंटी घूमने नहीं गया। पांचवा प्रश्न उत्तर लिखो। एक, सामान्य विज्ञान की पुस्तक से बंटी कौन कौन सी बातें पढ़ने वाला था। इसका उत्तर है, पानी भगवान बरसाता है सब झूठ, सामान्य विज्ञान की किताब में सारी बात लिखी हुई है। बंटी ने अपनी मम्मी से क्या क्या करने के लिए कहा। बंटी ने अपनी मम्मी से कहा, आज ही सारी किताबों और कापियों पर कवर चढ़ा जाना चाहिए ब्राउन वाला, नहीं तो कल सजा मिलेगी। हाँ, तुम सब काम छोड़कर पहले मेरे कवर चढ़ा देना, फिर सफ़ेद लेबल काट कर चिपकाने होंगे, उस पर नाम और कक्षा लिखना होगा, खूब सुंदर वाली
राइटिंग में जमा जमा कर लिखना, समझी। सदैव ध्यान में रखो, शिक्षा सर्वांगीण विकास का मार्ग है। इसके लिए अधिक स्पष्टीकरण यहाँ शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास इस शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। भाषा बिंदु में पाठ में प्रयुक्त शब्द युग्म चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग करो। पाठ में बहुत सारे शब्द युग्म हैं, भरा भरा, उसका बैग भरा भरा था, वाक्य प्रयोग जल्दी जल्दी, वाक्य प्रयोग हुआ जल्दी जल्दी विद्यालय गया, कहाँ कहाँ, मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, क्या क्या मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा, कुछ न कुछ हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। लंबा चौड़ा, यह लंबा चौड़ा मैदान है, नए नए लोगों से मुलाकात हुई, नई नई प्रातःकाल नई नई धूप में टहलना चाहिए, चार छः लोगों का समूह है, एक एक प्राचार्य ने एक एक कर लोगों को बुलाया, देश दूस को मैं नहीं जानती, राजा महाराजा भारत पूर्व में राजा महाराजाओं का देश था, हाथ मुँह नियमित होना चाहिए, खा पी कर सो गया, रात दिन सुरेश रात दिन परिश्रम करता है, मंद मंद बाहर हवा चल रही थी, जमा जमा कर रखता जा रहा था, भारी भारी मन से घर जा रहा था। दूसरा है, पाठों में आई प्रेरणार्थक क्रियाएं लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पर कुछ प्रेरणार्थक क्रियाएं जो वाक्यों में दिया है, इस पाठ में दिया है, इसके अतिरिक्त भी आपको अगर मिलता है तो निकालिए। चिड़िया जैसा निकल आया, ये प्रेरणार्थक क्रिया है, निकल आया है। टूटू के यहाँ दौड़ गया, जिसके नीचे जिसे रेखांकित किया गया जिस शब्द को, वो प्रेरणार्थक क्रिया है। किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उसके लिए खास जगह बनाई, तैयार होकर उसने बस्ता उठाया, एक साइकिल दिला गए थे। विद्यालय की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखो, ये निबंध हम आपको लिखित रूप में देंगे, आप वहाँ से देखिए और लिखिए। मैंने समझा बच्चों का सर्वांगीण विकास विद्यालय में ही हो सकता है, इसलिए प्रत्येक बच्चे को विद्यालयीन शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। हिंदी साहित्य स्वयं अध्ययन, हिंदी साहित्य में ज्ञान पीठ पुरस्कार प्राप्त किन्हीं दो साहित्यकारों की जानकारी प्राप्त करो। हमने आपको कृष्णा शोभती और अमिताभ घोष के बारे में हम आपको वीडियो के अंत में देंगे। और इस प्रकार से हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।